नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रा 24 न्यूज में आपके साथ सुनो खबर रीवा से है, जहां कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि पंजीकृत किसानों को ग्राम पंचायत सचिव तथा पटवारी के माध्यम से सूचना देकर ग्राम पंचायत भवन में बुलाकर उनकी केवाईसी अपडेट करवाएं। पीएम किसान पोर्टल पर केवाईसी अपडेट की जा रही है। जिन ग्राम पंचायतों में आधार लिंकिंग के लिए बड़ी संख्या में किसान शेष हैं, वहां इसके लिए शिविर लगाए जाएं। सभी तहसीलदार प्रत्येक ग्राम पंचायत में किसानों के बैंक खातों से आधार लिंकिंग के लिए नोडल अधिकारी तैनात करें। सभी SDM आधार लिंकिंग की प्रगति की हर सप्ताह पटवारी हल्कावार रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कलेक्टर ने पीएम किसान सम्मानित से लाभान्वित किसानों से अपील करते हुए कहा है कि जिन किसानों के बैंक खाते में आधार लिंकिंग नहीं है, वे ग्राम पंचायत अथवा कियोस्क सेंटर जाकर आधार लिंकिंग करवाएं। केवाईसी अपडेट ना होने तथा बैंक खाते में आधार संख्या दर्ज ना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मानित की राशि प्राप्त नहीं होगी। केवाईसी अपडेट करने के लिए OTP किसान के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आएगा। बायोमेट्रिक के माध्यम से भी केवाईसी अपडेट कराया जा सकता है। सभी SDM इस कार्य की सघन मॉनिटरिंग करें। इसमें लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें।